दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, दिन भर के सह प्रायोजक हैं विष्णु शंकर ज्वेलर्स, स्विगी, मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं अरुणिमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में दूर दराज से आए फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री, समस्याओं को त्वरित निस्तारित करने का दिया आदेश। 3 दिवसीय प्रवास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के लिए हुए रवाना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौरी चौरा थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 6 दिसंबर के मद्देनजर एसपी सिटी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में की गई सघन तलाशी। विभिन्न थानों में विवेचकों के साथ एसएसपी ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 6 दिसंबर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, सुरक्षा दृष्टि से विभिन्न थानों में होगा पैदल गश्त। नागरिक सुरक्षा कोर के स्थापना दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। और पूर्वांचल पंजाबी वेलफेयर संघ गोरखपुर द्वारा कंबल व अन्य गर्म वस्त्रों का किया गया वितरण। 3 दिन के प्रवास के बाद आज आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवा श्रम में लगे जनता दरबार में शिरकत किया, दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जान संबंधित अधिकारियों को निस्तारण का आदेश दिया। इस मौके पर एडीजी रेंज जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बेलघाट का मामला है, किसकी जमीन है? हम गोरखपुर के, गोरखपुर में आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, अपना आवेदन पत्र दिए हैं, प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी को। मामला हम लोग का ये है, हम लोग सलेमपुर से आए हैं, मेरी शादी हुई 10 साल हो गई है, मेरी एक लड़का एक लड़की है, मेरा पति हमेशा किसी न किसी बात को लेके मारते और पीटते हैं। और 28 तारीख को सुबह में आए, 28 नवंबर को सुबह में आए, मेरे पति अचानक मुझे मारने पीटने लगे। मैंने उनसे बस इतना ही कहा, 24 तारीख को उनके सिस्टर की शादी थी, शादी में नहीं है, वो आज क्यों आए हैं? साहब मकान बन गई, 2.5 साल हो गए मकान बन ले, ओमन माटी डारा ताटी वीरेंद्र पाल और वीरेंद्र पाल का बेटवा अनिल पाल, ए हमके मारा ताटा गरियावा ताटा, घर में माटी डारे ना देता था। आगे जो थोड़ा सा जीएस का ज़मीन है उसमें चाय का दुकान करती हैं, हम विधवा महिला हैं, हमारे कोई कमैया नहीं है, कह रहे हैं वो छप्पर हटा लो तब तुमको घर में माटी डालेंगे, नहीं तो तुम्हारा घर गिरवा देंगे। नहीं हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, एप्लीकेशन हो भेजना है तो हो गए, ले जनता दरबार में ना वहाँ देखे आओ ताटी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय प्रवास के आखिरी दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद गुरु गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन किया और फिर झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के प्रचार कार्यक्रम के लिए गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता चौरी चौरा थाने पर पहुंच थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर में साफ सफाई व फाइलों के रखरखाव, रजिस्टरों की जांच पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं थाने के शस्त्रागार, लॉकअप व मेस का भी निरीक्षण कर थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। लगातार औचक निरीक्षण करने चाहिए, तो ये काफ़ी दूर का थाना है। अचानक से मैं यहाँ पर आया और देखा कि जनता की समस्याएं कैसे सुनी जा रही हैं, ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, इनके रिकॉर्ड कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जनता मौजूद थी उसको भी सुना, आप लोगों से भी बातचीत की, फीडबैक लेने की कोशिश की कि हमारे थाना चौकी काफ़ी पारदर्शी तरीके से चलें। आपने देखा महिला डेस्क चल रही है, ठीक ठाक उसकी लिखा पढ़ी चल रही है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने फ़ोन पर बात भी करी, उसमें लिखे हुए इनके रिकॉर्ड्स को देखा गया, रिकॉर्ड्स काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ एक जगह कमी है, इनको बताई जा रही है सुधार करने की। लंगर इनका भी चलता है और अच्छे से चल रहा है, साफ सफाई अच्छी पाई गई, हवालात भी चेक करी गई और इनके जो मालखाना है वो भी चेक किया गया। एडीजी रेंज के आदेश अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 6 दिसंबर को देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सुरक्षा जायजा लेने पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने जीआरपीएफ और आरपीएफ के साथ डॉग स्क्वाड की टीम व मेटल डिटेक्टर के साथ स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों की सघन तलाशी के साथ ही सुरक्षा के दृष्टि से यात्रियों से भी बातचीत की। जाओ बैग खोल के पीछे हट जाओ, बैग खोलो पीछे हट जाओ, बैग खोल के पीछे हट जाओ, आराम से चाबी जाओ। बंद कर दिए पहलवान।
रेंज साहब और एसएसपी साहब के निर्देशानुसार इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठानों पे एंटी सबोटाज चेकिंग कराई जा रही है। इसमें स्थानीय पुलिस, कैंट की पुलिस, एलआईयू की टीम तथा जीआरपी सभी के सहयोग से ये चेकिंग कराई जा रही है। इसमें हम स्वान दल का भी पूरा प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे अपना सामान लेके आ रहा है बाहर से या ट्रेन से उतर रहे हैं उनको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, अब तक कोई संदिग्ध चीज़ या कोई संदिग्ध चेकिंग के दौरान? नहीं, अभी तक कोई इस प्रकार की चीज़ हमें प्राप्त नहीं है। ये एडीजी रेंज साहब, एसएसपी साहब के निर्देशन में आगामी कल जो 6 दिसंबर है उसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर कैंट थाना एवं जीआरपी के सहयोग से और ये डॉग स्क्वाड भी सम्मिलित है, इसमें सब चेकिंग की जा रही है। ट्रेनों की भी चेकिंग की जा रही है और प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं उनके सामान की भी बड़ा गहनता से जांच की जा रही है। अब तक कोई संदिग्ध नहीं? अभी तक तो कोई संदिग्ध नहीं है, लेकिन चेकिंग जारी है। अगर कोई चीज़ मिलती है तो उनके विरुद्ध अवश्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कैंट में जो निश्चित स्पॉट है वहाँ पे लगातार कल जो दिन कुछ नाका चिन्हित है एसपीसीटी महोदय द्वारा, उन नाकाओं पे फोर्स रहेगी। साथ ही जितने प्रतिष्ठित स्थान है वहाँ फोर्स रहेगी। आज जितने भी संवेदनशील स्थल है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या जो वहाँ माल पड़ते हैं, उनमें आज एक एंटी सबोटाज चेकिंग कराई जा रही है। विभिन्न मामलों की विवेचना को लेकर आए दिन मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने विभिन्न थानों के विवेचकों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान विवेचना की गति को बढ़ाने के साथ ही फरियादियों को न्याय समय से मिल सके इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छह दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मद्देनजर शहर में सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनी रहे उसके दृष्टिगत एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता आदेशानुसार शहर की कमान संभालने के लिए एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ ने सिटी वन से बात करते हुए बताया कि पूरी शहर की खासकर जो संदिग्ध एरिया है वहाँ पर खास निगरानी की जा रही है और आज शाम को कोतवाली राजघाट तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पैदल गश्त भी किया जाएगा और लोगों से शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। 6 दिसंबर के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर चेकिंग कराई जा रही है तथा हर संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और इसके अलावा कल प्रशासन और पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर ड्यूटियाँ भी लगी रहेंगी और लोगों से संवाद बना हुआ है, अच्छा माहौल है और लोगों से अपील है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस को अवगत करें। हर जगह अच्छा माहौल है, किसी प्रकार की इस प्रकार की सेंसिटिविटी की सूचना नहीं है, मगर अगर किसी को भी कोई सूचना देनी हो तो स्थानीय पुलिस को कभी भी अवगत करा सकते हैं, 112 को करा सकते हैं और किसी भी अधिकारी गण को भी फोन करके त्वरित रूप से अवगत करें। पैदल गश्त के आदेश एसएसपी साहब द्वारा दिए गए हैं और उसके अंतर्गत आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त भी किया जाएगा। नहीं, लोगों से बस यही अपील है कि किसी प्रकार की कोई सूचना हो तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, पुलिस आपके सहयोगार्थ लगातार बनी रहेगी और किसी भी जरूरत में हमें याद करें, हम मौके पर पहुँच के आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी, इंड्रोस्कोपी, गैस्ट्रो सर्जरी, स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर। डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं, जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन।
पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हॉर्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर। शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ हमारे यहाँ पधारे विष्णु शंकर ज्वेलर्स यानी खरा सोना। हमारा पता है विष्णु शंकर ज्वेलर्स, जलकल भवन, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9935720 23। हमारी दूसरी शाखा गोपी गली, हिंदी बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838667050। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू? इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मियां साहब इस्लामिक इंटर कॉलेज के परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विगत 25 तारीख से चल रहे इस कार्यक्रम का आज समापन हुआ। मॉक ड्रिल के अंतर्गत आम नागरिकों को भूकंप आने के क्रम में किस तरह बचाव किया जाए, भूकंप में घायल व्यक्ति की किस तरह से प्राथमिक उपचार मुहैया कराई जाए और आग लगने की दशा में किस तरह उस पर काबू पाया जाए, इस तमाम पहलुओं का जीवंत उदाहरण पेश किया गया। इस मौके पर चीफ वार्डन संजीव गुलाटी, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, डिप्टी चीफ वार्डन शरद श्रीवास्तव, उप नियंत्रक प्रकाश सिंह, डिविजनल वार्डन सिविल लाइन अखिलेश कुमार ओझा, कॉलेज के प्राचार्य जफर अहमद खान सहित भारी संख्या में सिविल डिफेंस के लोग, स्कूली बच्चे और अग्निशमन विभाग सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्यारे बच्चों, ये आप ही के बीच के बच्चे हैं, ये आप ही के साथी हैं। उसके बाद एनी रेलवे नागरिक सुरक्षा, जिसका विशेष सहयोग नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर को हमेशा रहता है, उनके बहुत ही सम्मानित वार्डन, उसके पीछे नागरिक सुरक्षा कोर के हमारे वार्डन, बचाओ सेवा दल, आप सभी की। हमारा जिला क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके शहर जो है सुरक्षित चार लोग उठाएंगे, इसको सभी लोग आराम से पकड़े, इसको उठाओ, फोटो ला चुके सभी लोग ला चुके हैं। एक ही सिलेंडर में आग लगने पर घबरा रहे हैं, चाहिए जैसे कि बना रहता है, एम्बुलेंस लिखा रहता है, तो ऐसे गाड़ियों को आपका कर्तव्य है साइड में आप आग कंट्रोल हो गया, सभी लोग लाइनअप हो जाएंगे, लेकिन अभी ऊपर से कैजुअल्टी आ रहे हैं, विकट स्थिति है, बहुत अच्छे तालियां हो जाएंगे ऊपर। यहाँ फर्स्ट एड की टीम मौजूद है, फायर की टीम और ढूंढने जा रही है, चलिए आप जाइए ढूंढिए। सभी कमर लाइट, फायर फर्स्ट एड, सभी अपने मुकाम पर लग जाइए। सभी सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक बृहद स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन आज MSI इंटर कॉलेज में किया गया है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनमानस को ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी आपदा के समय आप किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकें, खास करके भूकंप के समय में किस तरीके से घटनाएं होती हैं, बिल्डिंग कोलैप्स होता है या उसके आसपास कोई आग की घटना हो सकती है, उसमें लोग घायल होते हैं, दब जाते हैं, उनको किस तरीके से हम रेस्क्यू करें, किस तरीके से हम उसका बचाव करें, छोटी मोटी आगों पर नियंत्रण प्राप्त किस तरीके से करें, इसका प्रयास हम लोग करते हैं इस भूकंप के मॉक ड्रिल के माध्यम से जनमानस को बताएं। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला PG कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर वर्किंग विद HTML विषय पर चर्चा की गई।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय, कंप्यूटर सीनियर इंजीनियर रोहित कुमार त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में शंकर थापा, विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजलि शुक्ला मौजूद रहीं। ठीक है, देखो यहाँ दो चीज आ रही है, फर्स्ट कर क्या कह रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन बी। मतलब चाहते हो कि जो कंटेंट लिखो कि आपका नंबर, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ऑप्शंस के साथ लिखना होगा, मतलब ओएल टैग बनाना होगा, उसके साथ क्या लिखना होगा ऑप्शन। इसके साथ देखोगे जो नंबरिंग हो रही है 1-2 हो रही है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो नहीं नंबरिंग 1-2 ना हो, क्या आपका ए बी समथिंग हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जैसे आपने यहाँ ओएल टैग बनाया तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको टाइप, और टाइप पर टू क्या लिखना होगा आपका ये, अगर आप इसको देखोगे रन कराओगे तो देखो क्या आप, आपका जो नंबरिंग हो रही है कैसे हो रही है आपका, ए बी हो रहा है। तो अब आपको जैसा भी चाहिए, सपोज आप चाहते हो कि नहीं 1-2 है, आप चाहते हो कि नहीं स्मॉल ए बी सी डी हो, आप सपोज नहीं आप चाहते हो जो नंबरिंग हो ए से स्टार्ट होकर आपका सी से ठंड से बचने के लिए असहाय गरीबों, पूर्वांचल पंजाबी वेलफेयर संघ गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने संघ के सेक्रेटरी बीएस कोहली के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर नए कंबल व अन्य गर्म वस्त्रों का निशुल्क वितरण किया। भैया इधर भी आ जाए, सारा चीज आप बता दीजिए। अरे भैया इधर भी आ जाए, फोटो बना लीजिए, खड़े रहो खड़े रहो। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वांचल पंजाबी वेलफेयर संघ गोरखपुर के सेक्रेटरी डीएस कोहली ने कहा, ये कार्यक्रम पूर्वांचल पंजाबी वेलफेयर संघ की तरफ से है और ये निशुल्क वितरण धर्मार्थ चैरिटेबल के रूप में वितरण किया जा रहा है। जिनको जरूरतमंद लोग हैं उनको कंबल, मफलर, गलम मफलर और कैप, बच्चों का कैप, ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया गया है और ये जब तक जाड़ा रहेगा तब तक ये संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम चलेगा और अलग अलग जगहों पर चलेगा। आज हम लोग कम से कम 150 कंबल वितरित करने का और 50 मफलर और 5 बच्चों का कैप ये वितरित करने का आज कार्यक्रम है और उसके बाद आगे हम लोग थर्मल बियर वितरित करेंगे जो कि अभी आ नहीं पाया है, वो सामान आ रहा है ट्रांसपोर्ट में। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, साईं प्रणाम।